जिस तरीके से आज सुबह बयान दिया कि एक ऐसा कोई इस बात की संभावना कि पाटीदार समुदाय से गुजरात का सीएम बन जाए, ज्यादा संभावना? बिल्कुल सईद, आपको बता दूं जो नाम चर्चा में है ये सारे नाम सबसे ज्यादा इसमें पाटीदार है। जैसे नितिन पटेल हो गए जो पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं, मनसुख मांडविया हो गए जो पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं। इसके अलावा बात की जाए गोर्धन जड़फिया की तो गोर्धन जड़फिया भी पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं। और साथ ही आरसी फल्दू की अगर बात की जाए तो आरसी फल्दू का भी पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं। सिर्फ एक नाम ऐसा है सीआर पाटिल का जो पाटीदार नहीं है बल्कि मराठी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है। और पाटीदार पिछले लगातार कई वक्त से ये कह रहे थे, गुजरात के अंदर उनकी मांग थी कि उनको बीजेपी को अगर वोट देने हैं तो पाटीदार मुख्यमंत्री होना जरूरी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या पाटीदार मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी, क्योंकि अगर पाटीदार मुख्यमंत्री बनाती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि पाटीदारों के सामने बीजेपी झुकी है और उनके जो वोट का महत्व है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। क्योंकि 2017 में बीजेपी ने ये देख चुकी है कि किस तरीके से पाटीदारों की नाराजगी उनको भुगतनी पड़ रही थी। बाकी पाटीदारों की नाराजगी के चलते 2017 में बीजेपी 99 पे अटक गई थी। तो वैसे में क्या अब चेहरा जो होगा वो पाटीदार होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ ही अगर बात की जाए कि मनसुख मांडविया की, क्योंकि मनसुख मांडविया के नाम पे सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। मनसुख मांडविया एक तो सौराष्ट्र से आते हैं और सौराष्ट्र के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी में से माना जा रहा है। कोविड के टाइम पर उन्होंने जो भरोसा रखा है वो मनसुख मांडविया पे रखा है। और मनसुख मांडविया कहीं ना कहीं ये भी ठीक है, मनसुख मांडविया भी है, लेकिन एक बात और भी है ना गोपी, जिस तरह से सीआर पाटिल हैं वो खुल के ये कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नितिन पटेल खुलकर कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो क्या ये वाकई विधायक दल की बैठक में तय होगा या नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद जोशी नाम लेकर आए हैं दिल्ली से और वो विधायकों को समझा बुझाकर या विधायकों को आलाकमान की बात बताकर 4 बजे तक घोषणा कर देंगे नाम की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि